नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका। आपका स्वागत है मेरे चैनल डेकोरेट विद अनामिका पे। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप बिना अपने पैसे खर्च किए आप घर पे ही जैसो बना सकते हैं। जैसो हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें किसी ग्लास के कंटेनर पे, किसी ग्लास बॉटल पे, कांच की बॉटल पे जिसे कह सकते हैं उस पे, या फिर प्लास्टिक के डब्बे जो रहते हैं उन पे हमें जब पेंट करना होता है, जब भी कुछ उस पे पेंटिंग करना है, डिज़ाइन करना है, तो हम डायरेक्ट उस पे पेंटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उससे पहले एक लेयर जैसो की देनी पड़ती है। जैसो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी कलर में आपको मिल जाएगा जैसो। वैसे जैसो आप होममेड भी बना सकते हैं। मैं हमेशा अपने जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ उसके लिए मैं जो भी जैसो यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा जो है अपना होममेड जैसो ही यूज़ करती हूँ। मैंने अभी तक एक भी बॉटल जैसो की कभी ख़रीदी नहीं। इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप जैसो बना सकते हैं और उसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए क्या करें, तो जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जी हाँ, आप होममेड जैसो को लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जैसो बनाना सीखते हैं किस तरह से बनाएं। सबसे पहले जैसो बनाने के लिए हमें चाहिए वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप इसकी जगह टैल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टैल्कम पाउडर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप कोई भी टैल्कम पाउडर ले लीजिए या फिर आप वॉल पुट्टी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 चम्मच, मैंने वॉल पुट्टी के लिए हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले लीजिए, इतने ही स्पून आपको वॉल पुट्टी के लेने हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी फेविकॉल। अब फेविकॉल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप फेविकॉल ही डालें, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी वाइट ग्लू डाल सकते हैं, लेकिन जो भी ग्लू हो वो वाइट होना चाहिए, इस तरह मतलब बिल्कुल फेविकॉल की तरह दिखने वाला, जैसे फेविकॉल एक वाइट ग्लू ही तो है। तो आप इसकी जगह कोई भी वाइट ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेविकॉल और 3 चम्मच ही मैंने फेविकॉल के यूज़ किए हैं। उसके बाद इस फेविकॉल को अच्छी तरह इस पर मिक्स करना है। अब अच्छी तरह से फेविकॉल को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ पूरा पानी ऐड नहीं करना है। हाँ, हमें एक पतला पेस्ट बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही साथ सारा पानी ऐड कर दें, एक ही साथ जो भी पानी हमें चाहिए उतना ऐड कर दें। हमें पहले थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है। जैसे मैंने पहले 1 चम्मच ऐड किया है, अब उसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, उसके बाद देखूँगी कितना और मुझे पानी की ज़रूरत है, तो उतना ही पानी ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा पानी और मैं ऐड करूँगी इसमें। तो इस तरह से हमें इसे पतला पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कि इतना पतला भी नहीं कि ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब हमें थोड़ा सेमी बोल सकते हैं कि हमें इतना ज़्यादा सेमी सॉलिड, उससे भी ज़्यादा पतला बनाना है वैसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है कि ये बहुत ही लिक्विडी है, बहुत ही लिक्विड है। तो इस तरह से हमें इतना पतला इसका पेस्ट बनाना है। अब इसमें अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे, इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहने चाहिए, कोई भी दाने नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो रह गए तो वो जब हम किसी भी क्राफ्ट पे इसे अप्लाई करेंगे तो वो लंप्स जो हैं वो हमारा काम ख़राब करेंगे। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें हम डाल सकते हैं वाइट एक्रेलिक पेंट या फिर जिस कलर का जैसो आप बनाना चाहें वो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। मेनली इस पर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट ही यूज़ करती हूँ,
और कभी कभार मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ कोई भी पेंट, तो इसमें सिर्फ एक चम्मच मैं वाइट एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ सिर्फ इसे वाइट करने के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि जब हम एक बार बेस अप्लाई कर देते हैं इसका जैसो का, उसके बाद हमें ऊपर कोई और डिज़ाइन बनाना होता है, फिर उस पर पेंट करना होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो आप कर सकते हैं इसमें, और जो भी कलर का जैसो आप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, जो भी कलर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, और जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो आती है इसकी स्टोरेज की बारी। तो इसके लिए मैंने एक खाली बॉटल लिया है जिसे साफ़ कर लिया, और अब ज़रूरी नहीं है कि आप कांच की बोतल ही लें, आप प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। तो इसको जो है हमें स्टोर करना है लंबे समय के लिए, तो उसके लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है विनेगर। जी हाँ, इसमें आप विनेगर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा विनेगर नहीं। मैंने ये जो हाफ इसका ढक्कन है उसको मैंने आधा ही इस्तेमाल किया है, तो ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा विनेगर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक चम्मच मैंने डाल के इसमें ऐड कर लिया है विनेगर। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे स्टोर कर देंगे बॉटल में, और किसी जो भी आप बॉटल यूज़ करें वो एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल हवा ऐसे नहीं पास होनी चाहिए, वो बिल्कुल एयर टाइट होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से उसे स्टोर करके रख सके। और ये जैसो आपका काफ़ी लंबे समय तक इतना भी नहीं बोल पाऊँगी, एक महीने तक तो आराम से स्टोर हो जाएगा ये।